वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कस्टम शेप क्या होते हैं और कैसे उनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कस्टम शेप अगर हमें यूज़ करना है तो हम कस्टम शेप जो है वो कहाँ से लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल टूल बना हुआ है, ओके। तो इसी पे हमें क्या करना है, हमारे माउस का जो राइट बटन है उसे क्लिक करना है, ठीक है। तो जब हम राइट बटन क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कई सारे जो है टूल्स आ जाते हैं, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिपस टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। तो हम कस्टम शेप टूल सीख रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन जो है कस्टम शेप टूल, इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। कस्टम शेप टूल पर हमने क्लिक किया, तो कस्टम शेप टूल पर क्लिक करने के बाद टूल बार जो है यहाँ पे हमारी कस्टम शेप टूल की ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कोई भी शेप यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, कस्टम शेप टूल है, इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा क्या आ रहा है, एरो आ रहा है, ओके। तो अभी यहाँ पे हमारा एरो क्रिएट हो रहा है, अभी हम इसे कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, इसकी हाइट को कम रख के या फिर इसके वेथ को ज़्यादा रख के, तो जो भी जिस भी तरीके से हमें इसे क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐसे ही और भी अगर अलग अलग हमें यहाँ पे को क्रिएट करने हैं तो वो शेप्स क्रिएट करने हैं, तो हम यहाँ पे को शेप्स भी क्रिएट करते हैं, उनमें कोई कलर फिल करना है तो उनमें कोई कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले पे भी कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लिया, मूव टूल मूव कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही देखेंगे, ये दोनों एरो है बट अभी काफ़ी दोनों डिफरेंट हमें यहाँ पे को शो हो रहा है, ठीक है। किसी की हाइट ज़्यादा रख लेंगे, किसी की वेट ज़्यादा रख लेंगे, किसी को रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं, तो ये हमने आप को इसको रोटेट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी शेप क्रिएट करना है तो वो हम आप को क्या कर सकते हैं, शेप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी हमने ये हाइट बढ़ा दी और विड्थ कर दी कम, तो यहाँ पे विड्थ कम करके भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी चेंजेस करके हमें यहाँ पे क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम कस्टम शेप टूल का यूज़ करेंगे, और अगर हमें इसमें हमने एरो क्रिएट कर लिया है, हमें और ज़्यादा इसमें शेप्स चाहिए, तो वो हम कैसे लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, अगर हमें और ज़्यादा शेप्स चाहिए तो वो हमें कहाँ से लेकर के आना है, हम यहाँ पे को देखेंगे जो हमारा सेटिंग का साइन बना हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कितने सारे शेप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे को आता है टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट ओनली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे को क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हमारा है बोन, देन हमारा है फिश, देन हमारा है कैट, डॉग, ठीक है। तो ये जो भी हमारे शेप्स हैं हमारे पास, उन शेप्स के नेम आ रहे हैं, बोन, फिश, कैट, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर को स्मॉल थंबनेल पे करेंगे। तो यहाँ पे बोन, फिश, कैट, हमें यहाँ पे को क्या शो हो रहा है, इमेजेस शो हो रही है, ओके, इनके शेप्स शो हो रहे हैं। देन हम यहाँ पे देखेंगे लार्ज थंबनेल, तो इनकी का साइज कितना बड़ा हो गया है, ओके। तो यहाँ पे बोन, फिश, कैट, डॉग, स्नेल, रैबिट, ओके। तो ये कितने बड़े साइज के हो गए, अभी हमारे पास केवल यहाँ पे को 6 आ रहे हैं वन बॉक्स पे, अगर हम स्मॉल पे कर रहे थे तो हमारे पास कई सारे यहाँ पे को आ जाते थे, ओके। तो ऐसे ही सेटिंग पे जाना है, स्मॉल लिस्ट करेंगे तो लिस्ट हमारे पास काफी छोटी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें बोन दिख भी रही है और बोन यहाँ पे को लिखा हुआ भी है, ओके। यहाँ पे को फिश का शेप भी है और यहाँ पे फिश भी लिखा हुआ है, कैट लिखा हुआ है, कैट का शेप है, डॉग लिखा हुआ है, डॉग का शेप है, स्नेल लिखा हुआ है, स्नेल का शेप है, रैबिट लिखा हुआ है, रैबिट का शेप है। ऐसे हम लार्ज लिस्ट में करेंगे तो लिस्ट हमारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बोन है, बोन का शेप है, फिश है, फिश का शेप है, कैट का शेप है, डॉग का शेप है, लेकिन ये क्या लिस्ट थोड़ा बड़ी है, ओके। इससे पहले वाली में लिस्ट क्या थी, थोड़ा छोटी लिस्ट थी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे को हमें स्मॉल रखना है, लार्ज रखना है, या फिर लिस्ट के साथ उनका नेम भी चाहिए और हमें उनका शेप भी देखना है, या फिर केवल टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एनिमल्स हमें चाहिए, तो एनिमल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे को हमारे एनिमल्स आ जाएंगे, ओके। अभी हम यहाँ पे करते हैं स्मॉल थंबनेल पे, एनिमल्स हमें चाहिए तो यहाँ पे को हमारे एनिमल्स आ जाएंगे। एनिमल्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास सिर्फ इतने एनिमल्स हैं, ओके। अगर हम एनिमल को यूज करते हैं और नेक्स्ट हमें और चाहिए तो हम और कहाँ से लेकर के आएंगे, यहीं पर जो सेटिंग का साइन है इसी पे हम जाएंगे। ये एनिमल्स हमने यूज किया, एनिमल्स के नीचे देखेंगे एरो, ओके, एरो पे ओके करा, ओके पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इतने एरोज है, ठीक है। इन एरोज को हम यूज करेंगे, एरो हमें चाहिए तो एरो यूज कर लेंगे। एरो के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे आर्टिस्ट टेक्सचर, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर आ जाएंगे, ओके। तो टेक्सचर यहाँ पे जो भी टेक्सचर हम यूज करना चाहते हैं वो टेक्सचर हम यहाँ से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टेक्सचर के बाद आता है बैनर्स एंड अवार्ड्स,
तो बैनर्स एंड अवार्ड्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बैनर्स भी आ गए, यहाँ पर देखेंगे ये सब हमारे क्या है बैनर्स है, ये हमारे अवार्ड है। ओके तो ऐसे यहाँ पे बैनर और अवार्ड दोनों हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ये भी हमारे अगर हमें यूज़ करने हैं, हमें सब यूज़ नहीं करने, कोई कोई यूज़ करने हैं वो यूज़ कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें और चाहिए फिल्म, तो फिल्म में हम देखेंगे ओके पे क्लिक किया, फिल्म पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास टू फिल्म्स आ रही है, तो ये टू फिल्म्स हमें यूज़ करनी है, ये फिल्म यूज़ करेंगे। फ्रेम्स नेक्स्ट हमारा आ रहा है, फ्रेम्स हमें यूज़ करने हैं अलग अलग, यहाँ पे को फ्रेम्स हमें दिख रहे हैं, इन फ्रेम्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इनके साइज़ को बड़ा करना है लार्ज में कर देंगे, तो यहाँ पे जितने भी फ्रेम्स हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फ्रेम यहाँ से यूज़ करना है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेटिंग पे जा करके, फ्रेम्स के बाद यहाँ पे हमारा आता है वेक्टर पैक, वेक्टर पैक में देखेंगे जो भी यहाँ से यूज़ करना है वेक्टर, उस वेक्टर को हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेक्टर क्रिएट कर लिया, कलर इसमें देखेंगे ग्रीन आ रहा है, चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी, साइज को करेंगे छोटा, मर्ज करा, जितना छोटा रखना है या जितना बड़ा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वापस से वही कस्टम शेप टूल पे जाएंगे, शेप्स पे एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करने के बाद और भी यहाँ पे को हमारे पास शेप्स आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इतने शेप्स हैं, हमें इतने ही शेप हमने यहाँ पे यूज़ करे वेक्टर पैक में, वेक्टर पैक के बाद यहाँ पे आता है लाइट बल्ब, लाइट बल्ब हमें पता है क्या होता है, ठीक है, जिससे लाइट आती है वो वाला लाइट बल्ब जो होता है उसका साइन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये हमारा लाइट बल्ब का साइन है, ठीक है, मीन्स शेप है, ये हमें क्रिएट करना है तो ये हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लाइट बल्ब के बाद नेक्स्ट हमारा आता है म्यूजिक, तो म्यूजिक में हम यहाँ पे म्यूजिक के शेप्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कुछ म्यूजिक के भी शेप्स है, इन्हें कहीं पे यूज करना है, इन्हें यूज करेंगे। नेचर हम देखेंगे, नेचर से रिलेटेड हमारे पास क्या है, नेचर क्या होता है, ट्री होते हैं और सन है, फ्लावर है और प्लांट्स है, बटरफ्लाई है, रिवर है, लेक है और ये फायर है, यही है, यहाँ पे क्लाउड देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे रेन ड्रॉप है, तो यही सब क्या है, ये सब हमारा नेचर है। तो नेचर में देखेंगे यहाँ पे ट्री, बटरफ्लाई, सन, फ्लावर सब हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे रेन ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, ओके, यहाँ पे स्नो है, यहाँ पे मून भी है, लीव भी है, अलग अलग लीव्स है, अलग अलग फ्लावर्स हैं, ओके, तो अलग यहाँ पे अलग अलग हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो अलग अलग शेप्स है, इन्हें हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें नेचर अगर क्रिएट करना है तो यहाँ से हम नेचर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम सभी में से थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हमने थोड़ा एनिमल्स ले लिए, थोड़ा यहाँ पे से नेचर ले लिया, थोड़ा फ्रेम ले लिया, थोड़ा यहाँ पे से अवर्ड्स ले लिए, टेक्स्चर ले लिए, तो जिस भी तरीके का हमें यूज़ करना है हम वो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट पे चेक करेंगे तो ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे अम्ब्रेला है, यहाँ पे की है, यहाँ पे हमारे पास पजल है, यहाँ पे हम देखेंगे पेन है, ब्रश है, पेंसिल है, टूल है, और भी टेलीफोन है, ओके, यहाँ पे देखेंगे क्राउन है, अलग अलग हमारे पास 5 क्राउन्स है यहाँ पे को, अलग अलग क्राउन्स है, ओके, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे और भी कुछ यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एनवेलप है, सीजर है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे स्टैम्प है, हमारे पास लीव्स है, तो जो भी हमें यहाँ से यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद ऑर्नामेंट्स में, ओके, ऑर्नामेंट्स में हम चेक करेंगे, यहाँ पे को हमारे पास कई सारे ऑर्नामेंट्स आ गए हैं, ओके, तो यहाँ पे से कोई यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग फ्लावर्स यहाँ पे को आ गए हैं। वैसे ही हम शेप्स में देखेंगे, तो शेप्स में हम देखेंगे जो भी शेप है उसका हमारे पास यहाँ पे को फ्रेम भी है, ट्राइंगल है तो यहाँ पे को हमारे पास ट्राइंगल का फ्रेम है, स्क्वायर है, राउंडेड स्क्वायर तो उसका राउंडेड स्क्वायर का यहाँ पे को फ्रेम है, हार्ट है तो हार्ट का फ्रेम है, मून है तो यहाँ पे मून है, मून का फ्रेम है, ओके, यहाँ पे को डायमंड शेप है तो उसका फ्रेम है, ऐसे ही जो भी शेप है, क्लाउड का शेप है तो यहाँ पे को जो भी हमारे पास स्टार का भी शेप है, ठीक है, और उसका फ्रेम भी है, तो जो भी शेप हमारे पास यहाँ पे है उसका हमारे पास फ्रेम भी है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे को अगर हमें इन्हें यूज करना है तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं। सिंबल्स में देखेंगे, सिंबल्स हमें यूज करना है तो यहाँ पर से कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर फ्लैग है, फ्लैग हमने क्रिएट किया उसमें हमें ये चाहिए फ्लैग में तो ब्लू कलर में बीच में, तो हम ये यहाँ पर से को ले सकते हैं, ठीक है। एरो चाहिए, एरो यूज कर सकते हैं, फायर चाहिए, फायर यूज कर सकते हैं, और कुछ हमें यहाँ से यूज करना है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर से और भी जो चीज यूज करनी है, वैसे ही टॉक बबल्स अगर हमें यूज करने हैं, हमने मैगजीन वगैरह पे देखा है टॉक बबल काफी यूज होते हैं, ये टॉक बबल यूज करने हैं तो टॉक बबल यूज कर सकते हैं, ओके।
या फिर मैगजीन और कॉमिक बुक और भी न्यूज़पेपर पे बहुत जगह पे इन्हें यूज़ किया जाता है, या फिर बुक्स पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बुक्स में भी ये यूज़ होते हैं। वैसे ही टाइल्स है, टाइल्स हमें यूज़ करनी है कहीं पे, तो हम इन टाइल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे कोई टाइल को ही क्रिएट करनी है, तो ये हमने यहाँ पे को क्रिएट कर ली, तो ऐसे ही टाइल क्रिएट करनी है कुछ और अगर यूज़ करना है, वेब यूज़ करना है, वेब यूज़ कर लेंगे। तो जो भी चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ को यूज़ करना है वो यहाँ पे को ले लिया और यहाँ पे को क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। अब इसकी हाइट कितनी रखनी है, वेट कितनी रखनी है, वो हम यहाँ पे को देख लेंगे। शिफ्ट की यूज करेंगे तो जो उसका शेप है वही प्रॉपर शेप में ही अपने छोटा और बड़ा होगा ये, ओके। इनका कलर चेंज करना है तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे को चेंजेस करने हैं या फिर वो हम कर सकते हैं, और यहाँ पे को जो भी हमें चूज करना है वो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, चूज कर सकते हैं। तो इतने यहाँ पे को हमारे पास शेप्स हैं, एनिमल, एरो, टेक्सचर, अवर्ड्स, फिल्म फ्रेम, वेक्टर पैक, ओके। ये सारे अगर हमें साथ में चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर को अगर हम इसे करते हैं स्मॉल थंबनेल, अभी इसमें इतने हैं हमारे पास, सभी अगर हमें साथ में चाहिए, बार बार हमें चेंज नहीं करने, तो ऑल लिखा हुआ है, ऑल पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो ऑल में देखेंगे यहाँ पे को एनिमल्स आ गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट एरो आ गए हैं, एरो के बाद यहाँ पे टेक्स्चर आ गया है, अवर्ड्स आ गया है, उसके बाद फ्रेम आ गए, उसके बाद वेक्टर आ गए, लाइट बल्ब आ गया, म्यूजिक आ गया, नेचर आ गया है, यहाँ पे नेचर के बाद हमारे ऑब्जेक्ट आ गए, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा नेक्स्ट ओरिएंटेशन आ गया है, यहाँ पे शेप्स आ गए, शेप्स के बाद हमारा साइम्बल आ गया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह हमारे टॉक बबल आ गए, टाइल्स आ गए और वेब आ गए। तो ये ऑल में अगर हम क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे पास शेप्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे को सारे आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करा है, इसमें स्मॉल थंबनेल करा है। अगर हमें इनके नेम भी चाहिए तो स्मॉल थंबनेल करेंगे, यहाँ पे सबके नेम और यहाँ पे नेम के साथ साथ हमें यहाँ पे को उसका शेप भी मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम इनमें मींस जो भी अगर हमें सारे साथ में चाहिए तो ऑल पे क्लिक करेंगे, अगर हमें सारे साथ पे नहीं चाहिए, हमें केवल एनिमल्स चाहिए तो एनिमल पे क्लिक करेंगे, तो केवल हमारे पास एनिमल्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से जो भी अगर हमें और शेप्स चाहिए तो यहाँ से हम और भी ज़्यादा कस्टम शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, और भी ज़्यादा कस्टम शेप जो है यहाँ पे को लेके आ सकते हैं, और यहीं पर कस्टम शेप की ही टूल बार से हम इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें कलर चेंज कर सकते हैं और इनमें हम अलग अलग जो है इफेक्ट दे सकते हैं, मीन्स कलर दे सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं, और कोई चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।